आप चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बैठे हों, कहीं से भी वास्ता रखते हों, लेकिन कुंग फू और कराटे को समझने और उसकी दिलचस्प बातों को गहराई से जानने की कोशिश जरूर करते होंगे। खास तौर पर लड़कों में कुंग फू को लेकर एक खास दिलचस्पी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंग फू विश्व विख्यात सबसे बड़े लड़ाकू खेलों में से एक मार्शल आर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। कुंग फू का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में ब्रूस ली की छवि आ जाती है। उसकी तरह शरीर को पूरा घुमाकर ना जाने कैसे कैसे करतब करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने की स्टाइल शायद ही आज के समय में किसी के पास होगी। लेकिन ब्रूस ली इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि मार्शल आर्ट का सिद्धांत इतना पुराना है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि हिंदू पुराणों को खंगाल कर देखा जाए तो ऐसी मान्यता है कि मार्शल आर्ट के संस्थापक भगवान परशुराम जी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, भगवान विष्णु के छठे अवतार। अपने शस्त्र ज्ञान के कारण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान परशुराम मूल रूप से ब्राह्मण थे, किंतु फिर भी उनमें शस्त्रों की अतिरिक्त जानकारी थी और इसी कारणवश उन्हें एक क्षत्रिय भी कहा जाता है। लेकिन उस समय में मार्शल आर्ट कहाँ था? आप सोच रहे होंगे कि मार्शल आर्ट का भारतीय इतिहास से कोई संबंध है। ऐसा होना भी असंभव सा है, लेकिन यही सत्य है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण को शस्त्रों की महान विद्या देने वाले भगवान परशुराम ने कलरीपयट्टू नामक एक विद्या विकसित किया था। इसी विद्या को आज के युग में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार कलरीपयट्टू नामक इस विद्या को भगवान परशुराम एवं सप्त ऋषि अगस्त देश के दक्षिणी भाग में लेकर आए थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में महारथी थे, इसलिए उन्होंने उत्तरी कलरीपयट्टू या बदक्कन कलरी विकसित किया था और सप्त ऋषि अगस्त ने शस्त्रों के बिना दक्षिणी कलरीपयट्टू का विकास किया था। हैरानी तो इस बात पर होती है कि इतने पुराने समय में विकसित की गई यह विद्या आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मार्शल आर्ट के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस आर्ट ने समय के साथ अपनी कई शाखाएं बना ली, जिसमें से एक है कुंग फू, जो फिलहाल चीन, जापान, थाईलैंड और अन्य दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों में जबरदस्त लोकप्रिय है। लेकिन ये विद्या भारत में होते हुए इन देशों में कैसे आई, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।